हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गगन स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो इम्प्लांट्स के साथ है। और सबसे पहले मैं आपको कह दूं, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज 2022 जो है वो शुरू हो चुका है, तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे प्लांट्स की ओर से भी। तो उन्हीं में से हमने जो नया साल जो शुरुआत की है अपने की, तो हम अपने प्लांट्स के साथ ही करेंगे। एक गार्डनर जो होता है वो अपने प्लांट्स के सिवाय और उसके लिए कोई महत्व ज़्यादा बात नहीं होती, जितने उसे प्लांट अहमियत होते हैं अपनी लाइफ में। तो उन्हीं में से एक प्लांट हमारा ये है, कोक्सकॉम्ब का प्लांट। ये कोक्सकॉम्ब का प्लांट है, आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा है प्लांट। तो ये इसी का ही मेरे पास एक छोटा प्लांट भी है। ये देखिए, इसमें कलर्स काफ़ी आते हैं कोक्सकॉम्ब में। येलो ले लो, मजेंटा कलर भी आते हैं, रेड कलर भी आते हैं, पिंक कलर भी आते हैं, काफ़ी कलर आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रोज़ का प्लांट भी देखिए खिल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इस प्लांट के आज सीड कलेक्ट करेंगे ताकि हम अगले सीजन में भी इसे उगा सकें। तो ये देखिए, इसमें फ्लावर्स जो है उसका साइज काफी बड़ा आता है। ये एक फ्लावर्स जो है इसका अलग नहीं लगता, इसी में से लगता है, मानो जिसे इसी का ही पार्ट हो, है ना। तो ये लगता ही नहीं कि रियल प्लांट का फूल है, ये लगता है आर्टिफिशियल। तो हम इसके सीड कलेक्ट करेंगे। करने के लिए एक कटोरी ले लेंगे, उसके अंदर जो इस फूल के पीछे होता है ना, ये वाले, इसमें सीड्स होते हैं, ये सीड पोट होता है इसका, इसमें सीड्स काफ़ी होते हैं। तो हम इसको रगड़ रगड़ के हम सीड निकाल सकते हैं उसे, खरोच खरोच करके। एंड नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर हम उसको उगा सकते हैं। ये देखो, इसको ऐसे भी लगाने से वो ब्लैक कलर के जो हमारे सीड्स हैं वो निकल जाएंगे। और ऐसे भी कर लीजिए आप अपने थंब से, तो इससे ऐसे भी निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम इसे जो वर्षा ऋतु होती है, जब गर्मियों में वर्षा होती है ना, तो तब हम इसको ज़मीन में ऐसे ही फेंक देंगे, या फिर आप थोड़े से कवर कर दीजिए, तो ये उग जाएंगे और अपनी ग्रोथ आगे बढ़ा लेंगे और फिर हमें विंटर में फ्लावर्स देंगे। तो ये जो ब्लैक कलर के हैं ये सीड्स हैं, आप इन्हें कोई पॉलीथीन जो है जिसमें एयर ना जाए उसमें आप रख सकते हैं। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए।